समागम में भाग लेने के लिए अगर एक भी योद्धा वल्लभराज से जा रहा है तो यहाँ की औरतों के मन में जलती बदले की आग की वजह से है। ऐसी ही वीरांगनाओं की कोख से मैंने और तुमने जन्म लिया है। वल्लुवनात की स्त्रियों को ये अधिकार नहीं। सबसे बड़े दानवीर कर्ण। हेलो दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूँ फनीग्रैड स्टूडियोज में। महाभारत में जितना इम्पोर्टेंट किरदार अर्जुन का था उतना ही सूर्य पुत्र कर्ण का भी था। महाबली कर्ण की छवि आज भी एक ऐसे महायोद्धा की है जो आजीवन बुरी परिस्थितियों से लड़ता रहा। काफी लोगों का ये भी मानना है कि कर्ण को वो कभी भी नहीं मिला जिसका वो वास्तविक रूप से अधिकारी था। बेवजह ही उन्हें वो वेब झेलना पड़ा और वो धर्म के ज्ञानी होते हुए भी अधर्मियों का साथ देने पर मजबूर हो गए। कर्ण एक क्षत्रिय होते हुए भी उन्होंने अपना पूरा जीवन सूत पुत्र के रूप में बिताया और युधिष्ठिर और दुर्योधन से बड़े होने के बावजूद कर्ण को उनके सामने झुकना पड़ा। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी तो कर्ण ही था, क्योंकि वो कुरु राज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ था। लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात रही। कर्ण की छवि पर द्रौपदी का अपमान किए जाने और अभिमन्यु वध में उसकी नकारात्मक भूमिका के कारण काफी बुरा असर भी हुआ, लेकिन कुल मिलाकर कर्ण को एक दानवीर और महान योद्धा माना जाता है। यदुवंशी राजा शूरसेन की कन्या कुंती जब बड़ी हुई तो उनके पिता ने उसे घर आए हुए महात्माओं के सेवा में लगा दिया और वहाँ जितने भी साधु महात्मा ऋषि मुनि आदि आते कुंती उनकी सेवा मन लगा कर किया करती थी। एक बार वहाँ दुर्वासा ऋषि आ पहुँचे और देवी कुंती ने भी उनकी मन लगा कर सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उन्हें एक ऐसा मंत्र दिया जिसके प्रयोग से वो जिस भी देवता का स्मरण करेगी वो वहाँ प्रकट होकर उनकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। एक दिन देवी कुंती को उस मंत्र की जांच करने की उत्सुकता हुई और उन्होंने एक एकांत स्थान पर बैठकर उस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव का स्मरण किया और उसी वक्त सूर्य देव वहां प्रकट हुए और उन्होंने उनकी मनोकामना पूछी। तब देवी कुंती ने उन्हें अपने चंचल मन की बात बताती है, लेकिन सूर्य देव उनसे कहते हैं कि उनका आना व्यर्थ नहीं जा सकता और वो उन्हें एक प्राकर्मी और दानशील पुत्र देकर जाते हैं और उस बालक की रक्षा के लिए उसे कवच कुंडल भी देते हैं। लेकिन देवी कुंती उस बालक को अपने पास नहीं रख पाई और उन्होंने उसे ना चाहते हुए और कठोर मन से गंगा नदी में बहा दिया। वो बालक बहता हुआ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर धृतराष्ट्र का सारथी अधीरथ अपने अश्व को गंगा नदी में जल पिला रहा था और तभी उसकी दृष्टि कवच कुंडलधारी बालक पर पड़ी। अधीरथ निसंतान था, इसीलिए उसने उस बालक को अपने गले से लगा लिया और घर लाकर उसका अपने पुत्र के समान पालन किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसीलिए उसे सूत पुत्र कहा जाता है। और उसकी माता राधे जो उससे बहुत प्यार करती थी उनके नाम से उन्हें राधे के नाम से भी जाना जाता है। उस वक्त शास्त्र विद्या पर केवल क्षत्रियों और ब्राह्मणों का ही अधिकार था और इसी वजह से कर्ण के पास सीखने की चाह होते हुए भी वो धनुर्विद्या नहीं सीख पाया। लेकिन उसकी चाह की वजह से वो गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं, लेकिन वो कर्ण का अपमान करते हुए उन्हें अपना शिष्य बनाने से मना कर देते हैं और अपने बचपन से अपना अपमान सहता हुआ कर्ण किसी भी तरह से शास्त्र विद्या सीखने का ठान लेता है और वो गुरु द्रोणाचार्य के भी गुरु और महान ब्राह्मण भगवान परशुराम के पास चले जाते हैं और उनसे झूठ बोलते हैं कि वो एक ब्राह्मण है। और भगवान परशुराम उस बालक की महत्वाकांक्षा और सीखने की लगन देख उन्हें शस्त्र विद्या सिखाने के लिए मान जाते हैं। और जहां कुरु राजकुमार पांडवों और कौरवों को गुरु द्रोण विद्या दे रहे थे, तभी कर्ण भगवान परशुराम की शरण में शास्त्रों की विद्या सीख रहे थे। और जब उसकी शिक्षा पूर्ण होने को आई और जब एक दिन भगवान परशुराम को ये पता चला कि कर्ण जिन्हें वो एक ब्राह्मण समझ रहे थे वो एक ब्राह्मण नहीं बल्कि एक सूत पुत्र है, तब उन्हें काफी गुस्सा आया और वो उन्हें ये श्राप देते हैं कि जब परीक्षा की घड़ी आएगी और उन्हें उनकी विद्या की खास जरूरत होगी तब उनकी विद्या लुप्त हो जाएगी। और ऐसा ही होता है महाभारत के युद्ध के मैदान में। जब अर्जुन उन पर हमला कर रहे होते हैं तब वो उनका सामना नहीं कर पाते क्योंकि उनके मंत्र काम ही नहीं करते और उनकी विद्या लुप्त हो जाती है। अपने गुरु को नाराज करने के बाद वो अपने घर हस्तिनापुर लौटते हैं और उसी दौरान गुरु राजकुमार भी अपनी शिक्षा खत्म कर राजमहल आने वाले होते हैं और उनके लिए एक खेल का आयोजन किया जाता है कि उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन है और कौन सूरज डूबने तक नहीं हारता। और आखिर तक धनुर्धारी अर्जुन नहीं हारते और उनके गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि वो दुनिया के श्रेष्ठ धनुर्धारी हैं। तब सूर्य पुत्र कर्ण वहां आते हैं और अर्जुन को ललकारते हैं और गुरु से कहते हैं कि अर्जुन
कुरु राजकुमारों में से श्रेष्ठ हो सकते हैं लेकिन पूरी दुनिया में से श्रेष्ठ हैं ऐसा वो नहीं कह सकते। और फिर वो भी अपनी धनुर्विद्या का प्रदर्शन करते हैं और उन्हें देख दुर्योधन सोचते हैं कि दुश्मन के दुश्मन को मित्र बनाने में ही समझदारी है। और सभी लोग कर्ण को सूत पुत्र कहकर उनका अपमान करते हैं। तब वो सबके सामने कर्ण का सम्मान करते हैं और उन्हें अंग प्रदेश का राजा बना देते हैं और कर्ण सूत पुत्र में से अंग राज कर्ण बन जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है दुर्योधन और कर्ण की मित्रता। और अनजाने में ही कर्ण अपने छोटे भाइयों से शत्रुता कर बैठते हैं। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो दुर्योधन, उनके मामा शकुनी और अंगराज कर्ण तीनों ही उस स्वयंवर का हिस्सा थे। और कर्ण अपनी धनुर्विद्या के दम पर वो स्वयंवर जीतने ही वाले थे लेकिन तभी द्रौपदी कहती है कि वो एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करेगी। और एक बार फिर कर्ण को अपमान सहना पड़ता है और उनकी यही वजह बनती है द्रौपदी से भी नफरत करने। हालांकि कई सारे ग्रंथों में ये भी उल्लेख है कि अंगराज कर्ण पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी को चाहते थे लेकिन द्रौपदी के भाग्य में तो पांडवों की पांचाली ही बनना लिखा था। उसके बाद कर्ण ने अपनी बचपन की दोस्त रुशाली से विवाह किया। वैसे तो उनके पिता ने रुशाली को उनके लिए चुना था और इन दोनों की प्रेम कहानी की एक अनकही दास्ता है लेकिन कहा जाता है कि रुशाली उन्हें बचपन से ही पसंद करती थी और उन्होंने कर्ण का हमेशा ही साथ दिया और इसी वजह से कर्ण को भी रुशाली से प्रेम हो गया था। साथ ही ये भी कहा जाता है कि रुशाली कर्ण और दुर्योधन की मित्रता से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और वो हमेशा ही उन्हें समझाती थी लेकिन कर्ण तो दुर्योधन को अपना सच्चा मित्र मानते थे। रुशाली के अलावा कर्ण की दूसरी पत्नी भी थी जिनका नाम था सुप्रिया। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब कर्ण दुर्योधन के साथ भानुमति के स्वयंवर में गए थे तब वहाँ उनकी मुलाकात सुप्रिया से हुई थी। सुप्रिया भानुमति की अच्छी सहेली थी जो हमेशा ही उनके साथ होती थी और उन्हें कर्ण देखते ही पसंद आ गए थे और कर्ण को भी वो पसंद थी और इसीलिए उन्होंने सुप्रिया से विवाह किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण की मृत्यु हुई तब सुप्रिया उनके साथ ही सती हो गई थी और रुशाली अपने बेटों के साथ रही थी। जब महाभारत का युद्ध करीब था तब देवी कुंती कर्ण के पास जाती है और उन्हें सारी सच्चाई बता देती है जिसे सुनकर कर्ण को और भी ज्यादा आघात लगता है कि उनके माता ने उनके साथ ऐसा किया। और जब देवी कुंती उनसे पांडवों की तरफ से लड़ने का प्रस्ताव रखती है तब वो उनसे कहते हैं कि जिस मित्र ने हर बार उन्हें अपमानित होने से बचाया वो उस मित्र के साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। और तब माता कुंती उनसे कहती है कि तो क्या तुम अपने ही भाइयों का वध करोगे। तब कर्ण अपनी माता को ये वचन देते हैं कि वो हमेशा ही पांच पुत्रों की माता रहेंगी क्योंकि युद्ध के आखिर में या तो वो रहेंगे या अर्जुन। उन्होंने उनसे वादा किया कि वो सिर्फ अर्जुन के साथ ही युद्ध करेंगे और बाकी के चारों पांडवों के साथ युद्ध नहीं करेंगे और वो अपने वचन पर कायम भी रहे थे। उन्होंने युद्ध के मैदान में सिर्फ अर्जुन के साथ ही युद्ध किया था। कर्ण से जुड़ी एक बात ये भी है कि भगवान परशुराम के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के बाद वो वन में भटक रहे थे। इस दौरान वो शब्द भेदी विद्या सीख रहे थे। एक दिन जब वो इस विद्या का अभ्यास कर रहे थे तब उन्होंने एक गाय के बछड़े को अन्य वन्य पशु समझकर शब्द भेदी बाण चला दिया और उस बाण से बछड़ा मारा गया। तब उस गाय बछड़े के स्वामी ब्राह्मण ने कर्ण को शाप दे दिया कि जिस प्रकार उसने एक असहाय बछड़े को मारा है वैसे ही एक दिन वो भी मारा जाएगा जबकि वो खुद को असहाय महसूस करेगा और जब उसका सारा ध्यान अपने शत्रु से कहीं अलग किसी और काम पर होगा। और हुआ भी यही था। जब कर्ण का अर्जुन से घोर युद्ध चल रहा था तब उसके रथ का पहिया बार बार भूमि में धस रहा था और वो उसे निकाल कर फिर से युद्ध करने लगता था। ऐसे समय में जब फिर से उसके रथ का पहिया भूमि में धस गया तब वो फिर से उसे निकालने लगा और उसे उस समय घबराहट भी हो रही थी कि वो उसका सारा ध्यान युद्ध के अलावा पहिए पर चला गया था। वो खुद को असहाय महसूस कर रहा था। ऐसे मौके का लाभ उठाकर अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। कर्ण को दानवीर कहा जाता है और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके पास से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं गया था और यहाँ तक कि उन्होंने मरते मरते भी श्री कृष्ण को दान दिया था। दरअसल जब कर्ण मृत्युशैया पर थे तब कृष्ण उनके पास उनके दानवीर होने की परीक्षा लेने गए थे। कर्ण ने कृष्ण को कहा कि उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में कृष्ण ने उनसे उनका सोने का दांत मांग लिया और कर्ण ने तुरंत ही पास पड़े पत्थर को उठाया और उससे अपना दांत तोड़कर कृष्ण को दे दिया। कर्ण ने एक बार फिर अपने दानवीर होने का प्रमाण दिया जिससे कृष्ण काफी प्रभावित हुए। कृष्ण ने कर्ण से कहा कि वो उनसे कोई भी वरदान मांग सकते हैं और तब कर्ण ने कृष्ण से कहा कि एक निर्धन सूत पुत्र होने की वजह से उनके साथ बहुत छल हुए हैं। अगली बार जब कृष्ण धरती पर आए तो वो पिछले वर्ग के लोगों का जीवन सुधारने के लिए प्रयत्न करें। इसके साथ कर्ण ने दो और वरदान मांगे और दूसरे वरदान के रूप में कर्ण ने ये मांगा कि अगले जन्म में
कृष्ण उन्हीं के राज्य में जन्म ले और तीसरे वरदान में उन्होंने कृष्ण से कहा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां कोई पाप ना हो। पूरी पृथ्वी पर ऐसा कोई स्थान नहीं होने के कारण कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने ही हाथों पर किया और इस तरह दानवीर कर्ण मृत्यु के पश्चात साक्षात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुए। अंगराज कर्ण का नाम आज भी महान योद्धाओं में लिया जाता है। भले ही उन्होंने कई बार अधर्म का साथ दिया, लेकिन वो एक सच्चे राजा, एक अच्छे धनुर्धारी, एक सच्चे मित्र और दानवीर थे और उनसे इंस्पायर्ड कोई किरदार हमें बाहुबली 3 में नजर आ सकता है। तो आपका क्या कहना है, कैसा होगा कर्ण से इंस्पायर्ड ये किरदार, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।